हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पुट। ओके, तो बहुत सारे के कमेंट्स रिगार्डिंग पुट के बारे में आ रहे थे। ओके, तो सो दैट मैंने पर्टिकुलर वीडियो को आपके लिए बनाया है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पुट यानी कि पुट का जो डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, डिटेल डिस्कशन ऑफ द पुट वी विल सी हियर। लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर पुट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो पुट पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ओके, या फिर जो ये कॉन्सेप्ट है, ओके, ये सेकेंड ईयर BMS सिलेबस के रसायनशास्त्र पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वहाँ से ये पर्टिकुलर पुट का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो यहाँ पे हम पुट की परिभाषा, पुट का उपयोग, देन आफ्टर दैट पुट के प्रकार वगैरह, ओके, पुट का अल्टीमेटली विधि क्या है, ओके, ये सब यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। लेकिन उसके पहले पुट का एक सिंपल सा मीनिंग अगर मैं आपको बता दूंगा तो जो पूरा वीडियो है ना, आप एंड तक बने रहोगे। ओके, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को इनिशियली अगर उसके सिंपलर वर्ड्स में या फिर सिंपलर मीनिंग से अगर जाते हैं ना, तो वी कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर मीनिंग इन द डिटेल मैनर ऑल्सो। ओके, तो सिंपल मीनिंग ऑफ एनी वर्ड या फिर एनी थिंग इफ वी नो, ओके, देन देयर डिस्कशन, देन देयर प्रॉपर मीनिंग वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो दैट द प्रॉपर मीनिंग और द सिंपलर मीनिंग ऑफ पुट इज नथिंग बट अग्नि देना। ओके, तो सिंपल सा मीनिंग है पुट का, मतलब ये होता है कि अग्नि देना। ओके, टू सप्लाई हीट। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं। ओके, हीटिंग बोलो या फिर सप्लाई ऑफ हीट बोलो या फिर वहाँ पे अग्नि देना बोलो, वट एवर यू कैन से। जहाँ पे हम अग्नि देंगे, जहाँ पे हम फायर अप्लाई करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पुट देना बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पुट बोलते हैं। ओके, तो वन वन हम जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला पॉइंट है, दैट नथिंग बट परिभाषा ऑफ पुट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट में इसके उपयोग वगैरह बता दूं, तो पुट का जो उपयोग है ना, पुट का उपयोग हम भस्म बनाने के लिए करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली भस्म जो बनता है ना, भस्म बनाने की आपने विधि वगैरह देखी होगी, तो हम देखेंगे उसकी भस्म बनाने की जो विधि है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोडेड किया है, तो वहाँ पे आप गो थ्रू मार सकते हो। मेरे रचनाशास्त्र की वीडियो मैंने बहुत सारे वीडियो वगैरह अपलोडेड किया। ओके, तो वहाँ पे आप गो थ्रू मारोगे तो मैंने नंबर ऑफ वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि भस्म बनाया कैसे जाता है। ओके, तो ड्यूरिंग द भस्म प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द इंसिनरेशन ऑफ एनी मेटल्स और मिनरल्स, ओके, तो वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन की विधि वगैरह बताई है। ओके, आई हैव एक्सप्लेन देयर द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंसिनरेशन ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स। ओके, तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनी भस्म, ओके, हम वहाँ पे क्या करते हैं, मेटल्स या फिर मिनरल्स की जो चक्रिका वगैरह बनाकर हम किसी भी शराब संबुट में वगैरह प्लेस करके, ओके, हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको अग्नि देते हैं। ओके, वी सप्लाई और वी अप्लाइंग द हीट। ओके, वी अप्लाइंग द फायर। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम एक्सप्लेनेशन के लिए पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम आपके लिए बनाया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो जो भी कोशिश रहती है, जो भी एफर्ट्स रहते हैं, मैं आपको एज पर पॉसिबल मैं करता हूँ। ओके, तो लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन वगैरह आता है, तो कोई शेम करने की बात नहीं है, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, और ऑलरेडी मैंने उसके पर्सनल नंबर वगैरह में ऑलरेडी अपने चैनल पर दिखाया है। ओके, तो वहाँ पे आप टाइप वगैरह करके देख सकते हो। ओके, या फिर वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो पुट बनाने की विधि है ना, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर्टिकुलर डायग्राम पे डिपेंडेंट है। अगर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम समझ गए ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ पुट समझ में आ जाएगा। ओके, द सिंपलर मीनिंग और सिंपलर कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, तो डायग्राम क्या इंडिकेट करेगा, डायग्राम में आपको अजूबा लगेगा कि व्हाट इज दिस। ओके, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर ये क्या गोल वगैरह बनाया है, ये क्या पर्टिकुलर ये स्क्वायर मैंने क्या किया है, ये मैंने वहाँ पे क्या शो किया। ओके, मैं आपको जब इसकी मीनिंग वगैरह बताऊँगा ना, आप बहुत ही अच्छा डायग्राम आपको समझ रहे, आप बोलोगे कि ये क्या डायग्राम है, वाह। ओके, ऐसा वहाँ पे आप बोलोगे। ओके, तो पर्टिकुलरली जो डायग्राम है ना, ये आपको क्या बताएगा, पुट बनता कैसे है। ओके, सॉरी, भस्म बनता कैसे है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि आपको अर्थ सरफेस के नीचे एक पर्टिकुलर गड्ढा खोदना है। ओके, यू हैव टू डिग अ पर्टिकुलर स्मॉल होल या फिर स्मॉल काइंड ऑफ सिंक। ओके, तो आपको गड्ढा वगैरह खोदना है, स्मॉल डिग वगैरह खोदना है। ओके, देन आफ्टर दैट उसमें क्या करना था आपको, जो उपले बोलते हैं ना, उपले मतलब काउडंग केक्स जिसे हम बोलते हैं। ओके, यानी कि गाय के गोबर के द्वारा जो बनाया जाता है। ओके, जहाँ पे गांव में वगैरह हम इसको अग्नि के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, गांव में गैस वगैरह की बहुत सारे ऐसे जो निचले वगैरह जो गांव है ना,
बहुत ही पुअर वगैरह जो अनडेवलप्ड जो हमारे विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ओके, या फिर सुने वगैरह रहोगे या फिर देखे भी रहोगे फिल्में वगैरह में ओके, तो वहाँ पे होता है कि दे डो नॉट हैव अ प्रॉपर काइंड ऑफ गैस अवेलेबिलिटी ओके, सो दैट दे आर मेकिंग देयर फूड्स ऑन द चूल्हा ओके। तो चूल्हा को सॉरी चूल्हा में खाने को पकाने के लिए चूल्हा में टू राइप एनी थिंग ओके, वी नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोर्स ऑफ अग्नि। तो सोर्स ऑफ अग्नि जो होता है ना, सोर्स ऑफ फायर जो होता है ना, उनका ये उपले होते हैं ओके, यानी काउडंग केक्स होते हैं, गाय के गोबर के जो बनाए गए जो गोल गोल उपले होते हैं ना, वही उनके सोर्स होते हैं। तो उन्हीं का उपयोग हम आयुर्वेदा में करते हैं। नो डाउट अभी मॉडर्न के टाइम में ऐसा कोई वगैरह यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे ना, दे आर स्टिल परफॉर्मिंग और दे आर स्टिल सॉरी दे आर स्टिल ओबेइंग ऑल द प्रिंसिपल्स विच ऑलरेडी एक्सप्लेन इन आवर अर्थशास्त्र और विच आर ऑलरेडी एक्सप्लेन इन आवर आयुर्वेदा ओके। दे बिलीव्ड ओके, आई ऑलरेडी आई हैव अटेंड अ पर्टिकुलर टू और थ्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ओके, एंड वहाँ पर मैंने ऑब्जर्व भी किया कि जितने भी महापुट गजपुट वगैरह जो टाइप होते हैं ना, वो वहाँ पे फॉलो करते हैं ओके। वहाँ पे मैंने उपले वगैरह देखा है, वहाँ पे मैंने गड्ढे वगैरह देखा है ओके, और वहाँ पे समझ में आता है कि जो भस्म बनाने की जो विधि है ना, दे आर स्टिल हमारे आज के टाइम में वो ओबे होता है ओके। तो लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा जो मॉडर्न का टाइम है ना, ये पुट बनाने की जो विधि है ना, ये रिप्लेस हो गई है हमारे मफल फर्नेस से, इलेक्ट्रिक फर्नेस से ओके। जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टोव वगैरह आ गए, इलेक्ट्रिक इंडक्शन वगैरह जो स्टोव वगैरह आ गए हैं, तो इससे क्या हो गया, हमारा आज का जो डे है ना, वो डे बाय डे हमारे जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कम करती जा रही है ओके। मॉडर्न इक्विपमेंट्स वो क्या करते हैं, दे रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ ह्यूमंस ओके। सो दैट पुट यहाँ पे इतना तो नहीं किया जाता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होंगे, आई डोंट नो ऑल इंडस्ट्री ओबेइंग और नॉट ओके, बट स्टिल जो मैंने दो टू टू थ्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैंने वहाँ पे विजिट वगैरह किया है ओके, तो आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ओके। सो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। तो पुट यहाँ पे जस्ट एक आयुर्वेद में रचशास्त्र में बताया गया है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, और हमें नॉलेज भी होना चाहिए एज ए बींग ऑफ आयुर्वेदिक स्टूडेंट ओके। तो पुट को हमें पढ़ना जरूरी है ओके। तो दैट इज़ नथिंग फॉर हिस्ट्री और नथिंग बट वट इज़ अ पुट ओके। तो जैसे ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया ओके। अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो अल्टीमेटली पुट जो होता है ना, मैंने आपको बताया अग्नि देना होता है ओके। तो अग्नि तो यहाँ पे एक स्टोव भी दे सकता है, एक गैस भी अग्नि दे सकता है। अभी आप बोलोगे कि अग्नि मेरा पुट हो गया, नो अग्नि इंक्लूड ओके, मैं आपको बताऊँगा आप समझोगे कि एक पर्टिकुलर मैंने जब गड्ढा वगैरह खोदा ओके, और यहाँ पे मैंने इनिशियली कुछ काउडंग केक्स काउडंग काऊ के जो गोमय हैं, काऊ के जो गोबर हैं, उनके उपले वगैरह मैंने इनिशियली यहाँ पे रखा, एंड देन आफ्टर दैट आई हैव प्लेस पर्टिकुलर काइंड ऑफ शराव शंपुट हियर ओके। शराव शंपुट क्या है, मैंने आपको सेपरेटली समथिंग एक मिनट का समथिंग वीडियो होगा ओके, प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी मैंने इसके प्ले वहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह बनाया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियोस ओके। तो आपको वहाँ पे इजी समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, स्टिल मैं आपको बता दूंगा कि शराव शंपुट होता क्या है। शराव शंपुट पर्टिकुलरली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ओके, शराव शंपुट ऐसा कुछ समथिंग ऐसा स्ट्रक्चर होता है ओके। तो शराव शंपुट मतलब क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा सुना होगा कि मुझे अभी एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद आएगा ओके, नाम याद नहीं आ रहा है। हम शराव शंपुट एक कटोरी वगैरह जो बोलते हैं ना, बाउल वगैरह जो होता है, तो बाउल की जो सॉरी जो मिट्टी का जो बाउल होता है ना, वैसा आप समझिए कि वो हमारा शराव शंपुट होगा ओके। तो आप एक शराव शंपुट ऐसा ले लीजिए, और उसको कवर करने के लिए आपको अनदर शराव शंपुट इज नीडेड ओके। और बाद में इनको हम क्या करते हैं, इनको हम बांध देते हैं ओके। दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन और दैट नथिंग बट द कर्म बाय विच वी आर जॉइंटिंग दिस टू बाउल लाइक स्ट्रक्चर टू पॉट लाइक स्ट्रक्चर ओके। दैट नथिंग बट इज कॉल्ड द संधि बंधना ओके। तो जो बाउल लाइक जो पॉट थी ओके, जो हमारी मिट्टी की बनी हुई जो ऐसी स्ट्रक्चर थी ओके, तो छोटे से स्ट्रक्चर पॉट ऐसा बड़ा होता है ओके। आई एम नॉट सेइंग ये पॉट ओके, मैं आपको ऐसा वाला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ओके। और बाद में आपको दूसरा अनदर सेम साइज का इसको लेके आप क्या करते हो, इसको संधि बंधन करते हो ओके। तो संधि बंधन कैसे किया जाता है वगैरह, ये सब मैंने ऑलरेडी बताया है, मैं यहाँ पे आपको स्टिल नहीं बताऊँगा ओके, क्योंकि बोलना और दिखाना बहुत ही डिफरेंस होता है ओके। तो ओरबली और प्रैक्टिकली दैट इज़ अ मच डिफरेंस आर देयर ओके।
तो प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग इन बेटर मैनर। ओके, सो शराब शंपुट में हमने क्या किया, उसको जिसका भस्म बनाना है हमने उसको प्लेस किया है। ओके, उसकी चक्रिका शोधन करने के बाद, उसकी मर्दन वगैरह करने के बाद हम क्या करते हैं, चक्रिका बनाते हैं। और चक्रिका को हम क्या करते हैं, सनलाइट के एक्सपोजर में उसको सुखा कर शराब शंपुट में रखते हैं। और शराब शंपुट कुछ अग्नि कुछ उपले वगैरह देने के बाद यहाँ पे, ओके, कुछ उपले वगैरह गड्ढे में रखने के बाद उसके ऊपर हम शराब शंपुट रखते हैं। और जितना गड्ढा खोदा था, ओके, तो टाइप्स में आपको बताऊँगा पुट के, तो टू पुट के टाइप्स में वहाँ पे आप देखोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट, यू विल एनालाइज दैट कि जितने भी टाइप्स ऑफ पुट है ना, सो देर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ पुट डिपेंडिंग ऑन द उपले, ओके, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ उपले वी आर नीडिंग, ओके, तो दैट नथिंग बट हाउ मच और हाउ मेनी उपले वी नीड, ओके, उसके बेसिस पर वहाँ पे डिपेंडेंट है कि हमारा कौन सा वो पुट है। ओके, वी आर टर्म दैट पर्टिकुलर पुट इन द टाइप्स। ओके, तो पुट के टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो वहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया ना, वो वहाँ पे बताया गया कि कितने उपले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उन्होंने अपने पुट के प्रकार को बताया। ओके, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पुट क्या है मैं आपको उसके मीनिंग बता दूँगा। तो मैं आपको अगेन बता दे रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ओके, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वहाँ पे समझ सकते हो। ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे अगेन एंड एग्जांपल देना पड़ता है। ओके, आई नीड एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू, ओके, सो दैट आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ओके, तो अगर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ वगैरह हो जाते कि क्या इतना वीडियो वगैरह लंबा वगैरह बना है, ओके, सो दे कैन लीव दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, नो डाउट पर्टिकुलर वहाँ पे मुझे कोई वगैरह वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, और जिसे समझना वगैरह है तो यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो अगेन आई एम सेइंग वीडियो को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। ओके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज नीडेड विथ अ प्रॉपर एग्जाम्पल। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्गेट होगा, अगेन आई एम सेइंग। ओके, तो पुट मैं बता रहा था आपको कि जो बचे हुए जो गड्ढे वगैरह थे उसको हमने फिर से उपले के द्वारा भर दिया। और बाद में हम क्या करते हैं, नीचे से हम सप्लाई तो वगैरह करते ही हैं, ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है पता आपको, कि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे गड्ढा नहीं खोदा है। ओके, अगेन आई एम सेइंग यहाँ पे हमने कोई गड्ढा वगैरह नहीं खोदा है, हमने क्या किया था, इसको अर्थ सरफेस के ऊपर हमने यहाँ पे ऐसा चार दीवार वगैरह बनाया था और उसमें उपला वगैरह भर के शराब शंपुट रखा, देन वहाँ पे उपला वगैरह डाल दिया। लेकिन जितने भी पुट हम यहाँ पे बताएंगे ना, जितने भी पुट वगैरह जो डिस्कस करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पे हम डिग खोते हैं, ओके, हम गड्ढा वगैरह खोते हैं। और गड्ढा वगैरह जब खोते हैं ना, तो उपले जो ऊपर की तरफ जो बसते हैं ना, यहाँ पे हम जलाते हैं। ओके, वी आर अप्लाइंग द हीट फ्रॉम अबो, लेकिन जब कोई जो ये गड्ढा जैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसके रिगार्डिंग में हम क्या करते हैं, ओके, यहाँ पे हम उसको नीचे से सप्लाई करते हैं हीट को। ओके, तो वहाँ पे आप अर्थ के सरफेस के ऊपर भी गड्ढा वगैरह, सॉरी, ऐसे चार दीवार वगैरह बनाकर ऊपर से भी हीट सप्लाई कर सकते हो, और गड्ढे बनाकर, ओके, तब भी वहाँ पे ऊपर से आप हीट अप्लाई वगैरह कर सकते हो। या तो वहाँ पे रेयर चीज़ है, ओके, ये रेयर है, और ये सभी क्या है, ये कॉमन वगैरह है। ओके, दीज आर द कॉमन थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपको बताने के लिए मैंने क्या कि अग्नि वगैरह दे रहे हैं हम नीचे से देते, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से ही जला देते, और तभी वो पूरी अग्नि वगैरह पूरे उपले इससे जल जाते हैं। ओके, तो जल जाने के बाद ये जो पर्टिकुलर जो इसमें रखा गया जो सामान है, ओके, जो जो पर्टिकुलर चक्रिका वगैरह है जिसका हमें भस्म वगैरह बनाना है, ओके, तो उसका भस्म बन जाता है। ओके, तो ये क्या थी, हमारी विधि थी कैसे हमारी भस्म बनती है। तो अल्टीमेटली हमने नीचे से सप्लाई किया अग्नि को, या फिर डायरेक्टली हमने इसको इसको बर्न किया, या फिर इसको फायर दिया। तो फायर देने से, ओके, हमने पहले गड्ढा वगैरह बनाया, चार दीवार वगैरह बनाया, इसमें उपले वगैरह रखा, शराब शंपुट रखा, देन ऊपर से उसको उपले के द्वारा उसको फिलअप किया, देन हीट वगैरह अप्लाई किया, ये सभी को टोटली हम क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं। ओके, पुट का सिंपल मीनिंग अग्नि देना है। तो गड्ढा वगैरह पहले हमने बना दिया और बाद में अग्नि दे रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पुट देना। ओके, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए कि हमने तो सप्लाई कर दिया हीट से, इसको हम क्या बोलते हैं, पुट देना बोलते हैं। नो, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पुट मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो उपले वगैरह रखा, शराब शंपुट रखा, देन आफ्टर दैट अगेन वी हैव प्लेस उपले वगैरह। ओके, बाद में हमने जो अग्नि दी, ये सभी टोटली को हम क्या बोलते हैं, इनके
वन बाय वन एक एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, सभी टोटली स्टेप को हम क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं। ओके तो अभी हम आते हैं अपने मेन डिस्कशन पे, दैट नथिंग बट द परिभाषा ऑफ पुट। तो रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, जितने भी ये बताया जाते हैं, ओके, इनका अगर भस्म बनाना है, ओके, तो भस्म बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है, पुट की जरूरत है, यानी कि अग्नि की जरूरत है। ओके तो रसादिदेव पाकानां प्रमाण ज्ञापनं पुटं न इष्टो न्यून अधिक, सॉरी, न इष्टो न्यून अधिक पाक सुपाकम हितम औषधम। ओके सॉरी, हाँ, तो इसकी मीनिंग देखते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, इतना कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं है। रसादि द्रव्य पाकानां प्रमाण ज्ञापनं पुटं न इष्टो न्यून अधिक पाक सुपाकम हितम औषधम। ओके मतलब क्या है, रसादि द्रव्य पाकानां, रस, महारस, उपरस, साधारण रस वगैरह जितना धातु उपधातु हैं, प्रमाण ज्ञापनम पुटम, ओके, प्रमाण ज्ञापनम पुटम दट नथिंग बट, प्रमाण मतलब है उपले वगैरह, उपले की प्रमाण। ओके तो प्रमाण ज्ञापनम पुटम, इनका भस्म बनाने के लिए हमें प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ उपले की जरूरत होती है, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वहाँ पे अग्नि की जरूरत होती है। ओके तभी हमारा क्या होगा, भस्म अच्छे तरीके से बनेगा। तो रस, उपरस, साधारण रस, महारस वगैरह जितने भी हैं धातु उपधातु आदि द्रव पाका नाम, ओके, तो वहाँ पे क्या बताएगा कि पाका नाम मतलब उनका पाक, ओके, यानी कि उनको पकाना विद द हेल्प ऑफ फायर। ओके यानी सराव शब्द में रखे हुए चीजों को पकाना। न इष्टो न्यून अधिक पाक, ओके, ना तो वो अग्नि कम होनी चाहिए, नाइदर इट शुड बी लेस और नाइदर इट शुड बी मोर। ओके तो वहाँ पे जो आपकी अग्नि दे रहे हो, ओके, उपले जो आप सप्लाई अप्लाई वगैरह कर रहे हो, रख रहे हो, वो प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए। अदरवाइज जो आप अग्नि दोगे ना, वो अग्नि से आपकी भस्म आइधर बनेगी नहीं प्रॉपर तरीके से, आइधर वो क्या होगी, बर्न्स हो जाएगी। ओके इसीलिए न इष्टो, ओके, वहाँ पे आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है, न्यून अधिक, ओके, ना तो आपको कम करना है ना तो आपको ज़्यादा करना है। ओके तो न इष्टो न्यून अधिक पाक, ओके, ना तो आपको कम पाक करना है ना तो आपको अधिक पाक करना है। सुपाकम हितम औषधम, ओके, अब प्रॉपर मैनर ऑफ गिविंग हीट, ओके, दैट नथिंग बट इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपाकम हितम औषधम। ओके उससे बनाया गया जो भस्म होगा ना वो हितकारी होगा। ओके तो रसादि द्रव पाका नाम प्रमाण ज्ञापनम पुटम न इष्टो न्यून अधिक पाक सुपाकम हितम औषधम। ओके तो क्वांटिटी ऑफ हीट और अग्नि शुड नॉट बी मोर और लेस। ओके अच्छी तरीके से पकाएगा जो औषधि होगा ना वही लाभकारी होता है, इफेक्टिव होता है, इसीलिए ये सुपाक ही चाहिए। ओके प्रॉपर बर्न वगैरह होना चाहिए। ओके तो देखिए मैंने जो डायग्राम आपको बताया था, फ्रॉम अग्नि से लेकर उपले तक ये सभी को हम क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं। ओके तो उपले के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रमाण, सुपाक, अल्पपाक तथा मध्यम पाक को बताते हैं। ओके वी एक्सप्लेन और वी एलोबरेट और वी आर कंसाइजिंग द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ पुट विद द हेल्प ऑफ प्रमाण ऑफ उपले। ओके यानी कि 100 मुझे काउडंग केक्स की जरूरत है, मुझे 100 उपले की जरूरत है, तो मेरा पुट का प्रकार ये होगा। ओके और ये पुट के प्रकार में आने वाला जो एग्जाम्पल होगा ये होगा। ओके ये हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो दीज थिंग्स, ओके, अंडरस्टैंड, अदरवाइज जो हम पुट बनाएंगे, ओके, अगर सपोज मुझे पारत का भस्म बनाना है, पारत के भस्म के लिए जो हमें पुट की जरूरत होती है वो हमें वराह पुट, कुक्कुट पुट की जरूरत है। अगर वहाँ पे हम महापुट देंगे, गजपुट देंगे, तो पारत का जो भस्म होगा ना दैट विल बी अनयूजफुल, ओके, दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। सो दैट जो भी एग्जाम्पल बताया गया है, जो भी टाइप्स बताया गया है, ओके, जो टाइप्स के अंदर जो एग्जाम्पल बताए गए वो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज जो क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो टाइप अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप अलग अलग टाइप अगर समझे रहोगे, मैं आपको नो डाउट अगर इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, आप अगर अलग अलग टाइप अगर समझे रहोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि यस ये टाइप में इतने उपले देना है, यस ये टाइप में इतने उपले देना है, ओके, और ये टाइप में ये एग्जाम्पल आता है, तभी आप वहाँ पे अपना तरीका जो है ना आप अच्छे तरीके से एलोबरेट कर सकते हो। ओके तो उपले के आधार पर हमने क्या किया, प्रमाण डिसाइडेड किया कि 100 उपले होगा तो हमारा सुपाक होगा, यानी कि आपको मैंने अभी समझाया, मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, प्रयत्न किया कि अगर सपोज मेरे महापुट है और महापुट में मुझे 1000 उपले की जरूरत होती है, तो मेरा अगर 1000 उपले रहेगा तो मेरा क्या होगा, इससे सुपाक यानी कि सुपाक वाला मेरा भस्म बनेगा। अगर वहाँ पे मैं 900 अगर उपले लूँगा तो मेरा क्या होगा, वहाँ पे मध्यम पाक होगा। अगर मैं वहाँ पे 500 उपले लूँगा तो मेरा क्या होगा, ये अल्प पाक होगा। ओके तो अल्टीमेटली जो उपले की क्वांटिटी जो बताई गई है फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ पुट, ओके, तो उतनी मच में उतनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, अल्प पाक, मध्यम पाक,
वो होगा ओके। तो सरा संपुट में जिस रसद द्रव्य का भस्म बनाना है उसकी बनी हुई चक्रिका हम रखते हैं ओके। तो पुटपा का प्रयोजन क्या हुआ, पुटपा क्यों करते हैं, तो पुटपा की विधि से बनाया गया जो भस्म होता है ना उसमें ऐसा कौन सा गुण हो जाता है कि जिसके द्वारा भस्म जो होता है अच्छा बोला जाता है, तो उसमें दो गुण बढ़ जाते हैं, दैट नथिंग बट पुटपाक के वजह से भस्म में नए गुणों की वृद्धि होती है। पहला तो पॉइंट ये है कि जिसमें हमें भस्म बनाना है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमने किसके अंदर इसको रखा है, उस चक्रिका को किसके अंदर रखा है, ताकि इसमें गुणवर्धन यानी कि गुड़ की वृद्धि होगी, पहला ये। दूसरा ये होता है कि जो हम उपले के द्वारा जो हम हीट देते हैं ना उसके वजह से क्या होता है कि जो चक्रिका हमने रखी है ना उस पर्टिकुलर श्राव संपुट में उसके गुण में वृद्धि हो जाती है ओके। देयर प्रॉपर्टीज बिकम रेज्ड ओके। देयर जो गुणवर्धन यानी कि जो हीलिंग के जो गुण है ना, हीलिंग के जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें रेज हो जाती है, उसमें बढ़ जाती है ओके। तो वो क्यों बढ़ती है, हमने तो प्लेस श्राव संपुट में रखा है, हमने तो चक्रिका अपने श्राव संपुट में रखा है, तो गुण कैसे बढ़ रहा है उस श्राव संपुट में रखे हुए द्रव्यों का, वो ऐसे क्योंकि आपने उपले जो अपने अग्नि दी है ना वो उपले के द्वारा दी है ओके। इसी को हमने क्या बोला, पुटपाक बोला है। तो अग्नि के सॉरी उपले के द्वारा दी गई जो अग्नि होती है ना उसके वजह से जो हमने श्राव संपुट में जो सामान रखा है, जो चक्रिका रखी है ना उसमें गुण में परिवर्तन देखने को मिलता है ओके। उसमें गुणों में इन्हांसमेंट देखने को मिलता है, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में जो हम मफल फर्नेस इलेक्ट्रिक फर्नेस का जो यूज़ करते हैं भस्म कोण बनाने के लिए, वो गुणवर्धन प्रॉपर्टीज हमें नहीं देखने को मिलता है ओके। तो अग्नि जो हम गाय के गोबर के थ्रू करते हैं, उपले के थ्रू करते हैं, वो अल्टीमेटली वो अलग होता है, और जो हम आज के टाइम में जो यूज़ करते हैं वो अलग होता है ओके। तो पुटपाक के वजह से दिया गया जो भस्म आपको जो बनेगा ना उसमें दीपन गुण बढ़ जाएगा, उसमें जो बचे हुए जो इम्प्योरिटीज वगैरह होंगे उसमें दोषों का विनाश हो जाता है ओके। तो पुट द्वारा पाचित और प्रिपेयर्ड औषधि जो होती है ना, मोस्टली हम भस्म बनाते हैं, वो निरुद्ध वारितर दीपन पाचन गुणों से युक्त हो जाता है ओके। ये सभी क्या है, भस्म परीक्षाएं। क्यों भस्म परीक्षाएं नीडेड है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपना भस्म बनाया होगा ना तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि अगर आप मेरा ये प्रॉपर तरीके से बना हुआ भस्म रहेगा, यानी कि जो पुट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं ओके वो इसमें ऑलरेडी इसमें इन्वेड होंगे, या फिर ऑलरेडी इसमें क्या होंगे, आत्मनिश्चित हो जाएंगे ओके। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा इस पर्टिकुलर भस्म में। तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग भस्म परीक्षाएं करते हैं ओके। तो वो अलग अलग भस्म परीक्षाएं कैसे की जाती है, ऑलरेडी मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया है। तो वही बताया गया कि निरुद्ध वारितर दीपन पाचन ये सभी गुणों से हमारे जो पर्टिकुलर भस्म है ना पुटपाक विधि से बनाने की वजह से क्या होता है, ये सभी उसमें गुण आ जाते हैं ओके। तो पुट द्वारा भस्म में विशेष गुण प्राप्त हो जाते हैं, जैसे ऐसे अर्ली मैं आपको बताया ओके। अतः रस द्रव्य से औषधि अच्छा बनाने के लिए पुटपाक का यूज़ किया जाता है, अगेन दैट थिंग सेम। पुटपाक विधि बताई जा रही है यहाँ पे, तो पुटपाक विधि के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, द्रव्य का संग्रह करना पड़ता है। अगर आपको भस्म बनाना है, आपको क्या सपोज आपको भस्म बनाना है किसका, आपको सपोज अभ्रक का भस्म बनाना है ओके। आपको सपोज स्वर्णमाक्षी का भस्म बनाना है, आप सपोज वहाँ पे आपको स्वर्ण धातु का भस्म बनाना है ओके। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको धातु की कलेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि आपको राव फॉर्म में उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अभ्रक आपको पहले कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, स्वर्णमाक्षी को कलेक्ट करके रखना पड़ेगा ओके। इसी को हमने क्या बोलते हैं, द्रव्य संग्रह बोलते हैं, शोधन ऑफ दैट पर्टिकुलर रस द्रव्य ओके। तो अभ्रक का आपको भस्म बनाना है तो अभ्रक का आपको पहले शोधन करना पड़ेगा ओके। वी नीड प्रियोर टू प्रिपरेशन ऑफ भस्म, वी नीड शोधन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजायर्ड भस्म द्रव्य ओके। सो दैट शोधन हमें पहले जरूरत होती है, शोधन करने के बाद हम क्या करते हैं, भावना देते हैं। शोधन करने के बाद क्या होता है कि अगर कोई ठोस या फिर कोई सॉलिड वगैरह जो मेटल वगैरह मिनरल्स वगैरह हो गए ना, तो वो क्या होते हैं कि ब्रिटल वगैरह हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के हो जाते हैं ओके। तो सॉफ्ट वगैरह तो अगर नहीं होते हम उसको क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर हार्ड थिंग को क्या करते हैं, उलोखल यंत्र द्वारा उसको तोड़ के वगैरह, पहले उसको तोड़ वगैरह लेते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट क्या करते हैं, वहाँ पे उसकी भावना करते हैं ओके। तो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद खलव यंत्र में उसका चूर्ण वगैरह बनाते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, बाद में उसको करते हैं भावना देते हैं ओके। भावना मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में भी बताया, भावना मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको डायग्राम बताता हूँ तभी आप समझोगे, अदरवाइज वर्बली वीडियो थोड़ा सा बाउंस जाएगा ओके। ये मेरा क्या है, ये उलूखल यंत्र है ओके। अगर मैंने ये अभ्रक लिया है ओके, अभ्रक बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और शोधन हम क्या करते हैं, निर्वाप के द्वारा हम इसका क्या करते हैं, शोधन देते हैं ओके। वी आर प्यूरिफाइंग द अभ्रक विद हेल्प ऑफ निर्वाप, और निर्वाप में वहाँ पे कोई भी पार्टिकल जो है ना, यानी कि कोई भी जो अभ्रक का जो
सॉलिड जो पार्ट होगा ना उसमें कोई परिवर्तन वगैरह नहीं होता आफ्टर इट्स शोधन ऑल्सो, ओके, जस्ट उसमें तो दोष निकल जाते हैं। सो दैट हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर खल्व यंत्र में मूसली के द्वारा जो हमारा सॉलिड जो पार्ट है ना या भरक का, इसको हम तोड़ते हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं पता है आपको, खल्व यंत्र लेते हैं, ओके। खल्व यंत्र में अगेन इस पर्टिकुलर चूर्ण पार्टिकल्स को रखते हैं और बाद में मूसली के द्वारा इसको हम वहाँ पे मर्दन वगैरह करते हैं, ओके। मर्दन वगैरह करते हैं राउंड वाइज क्लॉक वाइज। मर्दन वगैरह करने के बाद हमें क्या होता है यहाँ पे चूर्ण फॉर्म ऑप्टेन होता है, ओके। जिसे ये मेरा क्या है चूर्ण है, ओके। तो चूर्ण फॉर्म में ऑप्टेन होने के बाद हम क्या करते हैं पता है आपको, चूर्ण फॉर्म ऑप्टेन होने के बाद हम वहाँ पे सेम अगेन वहाँ पे एक शराब चम्मच रखते हैं और चूर्ण को अगेन यहाँ पे प्लेस करते हैं और बाद में क्या करते हैं एडिशनली वहाँ पे हम वाटर या फिर वहाँ पे कोई भी जल यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी द्रव मीडिया यूज़ करते हैं, ओके। लिक्विड मीडिया वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ओके। तो लिक्विड मीडिया का यूज़ करने के बाद क्या होता है कि जो चूर्ण आपने डाला ना, इस चूर्ण में आपने जो इस चूर्ण में जो आपने द्रव कोई भी लिक्विड मीडिया वगैरह डाला है ना, इसके वजह से क्या होता है कि चूर्ण आपका गीला हो जाता है, ओके। तो आपको जो चूर्ण गीला होने के बाद क्या होता है आप इसको मर्दन वगैरह करोगे तो आप गीला वगैरह करने के बाद आप क्या करते हो वहाँ पे आप ऐसे गोल गोल चक्रिका बना लेते हो, ओके। और जब चक्रिका वगैरह आप बना लोगे आप इसको जब सनलाइट में इसको सुखाने के बाद, ओके, आप अगेन एक शराब शंबूर लेते हो, आप अगेन एक शराब शंबूर वगैरह लेते हो, ओके। और बाद में संधि वगैरह बंदना वगैरह बाद में आप करोगे, लेकिन उसके पहले जो आपने ये जो चक्रिका वगैरह बनाई थी ना इसको आपने शराब शंबूर में रखा एंड देन आफ्टर दैट उसको क्या करते हो सेम साइज़ की लिट के द्वारा, ओके, इसको ढक देते हो और बाद में इसका संधि बंधन वगैरह करके आप क्या करते हो उसको गड्ढा जो आपने डाला था पुट वगैरह जो रखा था आप इसको प्लेस कर देते हो, ओके। प्लेस करने के बाद जो आप हीट दोगे ना, ओके, सॉरी ये मेरा शराब शंपूट है, और बाद में आप जो यहाँ पे हीट वगैरह दोगे ना, ओके, यहाँ पे जो आप हीट वगैरह दोगे इसकी वजह से होता है कि आपको जो यहाँ पे आपने जो चक्रिका वगैरह रखी है ना इस पर्टिकुलर शराब शंपूट में वो क्या होता है वो चक्रिका की होती है ना वो भस्म बनने के लिए रेडी हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो आप चक्रिका जो एसिड आप इसको नीचे उतारते हो सेल्फ कूलिंग के लिए बाद आप क्या करते हो उसको बॉटम पे लेके आते हो अपने, ओके, देन आफ्टर दैट आप अगेन एक शराब शंबू लेते हो और जो चक्रिका आपने इसमें डाली थी आफ्टर द गिविंग और आफ्टर सप्लाइंग पुट, ओके, चक्रिका अगेन आप डालते हो और बाद में इसको अगेन उसको मर्दन वगैरह करके आप एक चूर्ण फॉर्म ऑप्टेन कर लेते हो, ओके। और दिस चूर्ण को हम क्या बोलते हैं भस्म बोलते हैं, ओके, दिस चूर्ण इज कॉल्ड द भस्म, ओके। तो जो मेथड बताया गया है सेम मेथड है द्रव्य संग्रह शोधन ऑफ दैट पर्टिकुलर द्रव्य, भावना किया हमने चक्रिका का निर्माण किया देन शराब संपुटीकरण किया, ओके, शराब संपुटी करने के बाद हमने क्या किया उसको प्लेस कर दिया, ओके। तो कभी कभी इंस्टीट्यूट ऑफ शराब संपुट मूसा का हमें उपयोग कर लेते हैं रेयर चा से, कभी कभी हम करते हैं मूसा का उपयोग हमें करना चाहिए लेकिन ये कॉस्टली होता है और नॉन अवेलेबिलिटी होता है, दैट्स वाई हम प्रिफरेंस देते हैं कि इसको शराब संपुट को देते हैं, ओके। तो शराब संपुट की क्या है हीट रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, ओके, और संधि बंधन टू शराब संपुट इज नीडेड। तो जो भी आपने चक्रिका एक पहले शराब चम्मच में रखा है, ओके, एक शराब चम्मच में रखा है आपको उस पर्टिकुलर शराब चम्मच को डायरेक्टली किसी भी डिक के अंदर वगैरह नहीं रखना है, ओके, अदरवाइज जो आप मटेरियल होगा ना फॉर्म मटेरियल विल बी स्केप आउट, ओके। सो दैट इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं ऊपर से कवरिंग कर देते हैं, ओके, कवरिंग को हम बाद में कवरिंग करने के बाद इसको डायरेक्टली हम प्लेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा सा हवा वगैरह लगे या फिर वहाँ पे जो उपले वगैरह आप रख रहे हो इसकी वजह से अगर कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हुआ ना तो होता है कि जो लीड है ना वो थोड़ा सा लूज हो जाएंगे, ओके। सो दैट ये लूज ना हो फिक्स रहे अपने पोजीशन पे इसका हम क्या करते हैं संधि बंधन कर देते हैं, ओके। तो संधि बंधन कैसे किया जाता है इसे ऑलरेडी मैंने बताया है, अगेन हम रिपीटिंग द सेम थिंग। तो संधि बंधन हम पहले करते हैं उसको मुल्तानी मिट्टी के द्वारा और संधि बंधन हेल्प्स टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ फॉर्म भस्म, ओके, जैसे मैंने बताया आपको पुट सप्लाई करने के बाद शराब संपुट को स्वांगशित हो जाने के बाद हम क्या करते हैं फॉर्म मटेरियल को ऑप्टेन कर लेते हैं, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं भस्म बोलते हैं, ओके। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ पुट के बारे में, तो तीन प्रकार बताए गए सूर्यपुट चंद्रपुट और अग्निपुट ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ अग्नि, ओके, जहाँ पे हमें जो अग्नि एज अ सनलाइट जहाँ पे जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं सूर्यपुट बोलते हैं, ओके। तो भस्म बनाने के लिए चक्रिका को सुखाने के लिए हम वहाँ पे जो सनलाइट का यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे सूर्यपुट नहीं बोल सकते उसको, ओके, सूर्यपुट पुट मतलब होता है अग्नि देना, ओके, यानी कि भस्म बनाने का जो लास्ट स्टेप है ना अगर वो जरूरत होती है सॉरी उसको बनाने के लिए अगर हमें सनलाइट की जरूरत है तभी हम क्या उसको बोलेंगे सूर्यपुट बोलेंगे, अदरवाइज उसके जितने भी बैक के जो स्टेप्स हैं ना और वहाँ पे अगर हमें सनलाइट की जरूरत है तो उसे हम सूर्यपुट नहीं बोलेंगे, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो तीन प्रकार है, पहला जो टाइप है भानुपुट इसे हम बोलते हैं, रुद्रपुट भी बोलते हैं, और पाकथ्रु सनरेस, ओके, जो सनरेस की जो किरणें जो आती हैं, ओके, जो सनलाइट जो आती हैं, ओके, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भस्म का प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्यपुट बोलते हैं, ओके। तो एक्सपोजर ऑफ ड्रग डायरेक्टली टू सनलाइट, ओके, एंड भावना प्रोसीजर एंड हीट एप्लीकेशन डन इन सनलाइट, ओके। तो जो हम भावना वगैरह जो करते हैं ना, तो भावना वगैरह करने के लिए हमें जो सनलाइट की जो नीडेड जो जरूरत होती है उसको हम यहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भस्म बनाने की जो विधि मैंने आपको बताई, उसमें जो जो सनलाइट को बताया है कि कब आपको सनलाइट का यूज़ करना है, तो आपको चक्रिका को सुखाने के लिए आपको क्या करते हो वहाँ पे सनलाइट का यूज़ करते हो। तो भस्म बनाने की विधि में आपने क्या देखा, चक्रिका बनाते हैं और चक्रिका को ड्राइंग करते हैं हम सनलाइट में, लेकिन जो हम भावना जो हम करते हैं ना, वह हम भावना कहीं भी कर सकते हैं, ओके। हम एक भावना अपने प्रैक्टिकल लैब में भी कर सकते हैं, हम भावना अपने क्लास में भी कर सकते हैं, हम भावना अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो सूर्यपुट के द्वारा जो बनाया गया जो भस्म होता है ना, वो भस्मों की भावना हमें, भावना प्रोसीजर हमें सनलाइट के एक्सपोजर में ही करना पड़ता है, ओके, क्योंकि ये सूर्यपुट के अंतर्गत आते हैं, ओके। एग्जाम्पल बहुत ही एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल दिया मैंने, लोहपाक का एग्जाम्पल। ड्यूरिंग लोह भस्म क्या होता है, जहाँ पे हमें लोहा के भस्म बनाने की जरूरत होती है, तो लोहा को हम शुद्ध वगैरह करने के बाद, ओके, चक्रिका यहाँ पे वगैरह नहीं बनाते, ओके, हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर लोहा भस्म का जिसका हमने शोधन वगैरह कर दिया, इसको चूर्ण फॉर्म में लेते हैं, और चूर्ण फॉर्म में लेने के बाद क्या करते हैं, आपको पता है चूर्ण फॉर्म में लेने के बाद एक थाली में त्रिफला क्वाथ लेते हैं, ओके, त्रिफला क्वाथ हम एक थाली में लेते हैं, और उस थाली में त्रिफला क्वाथ के साथ साथ लोहा चूर्ण, ओके, शुद्ध लोहा चूर्ण जो हमने जो लोहा का हमने शोधन वगैरह किया है, ओके, लोहा का जो हमने शोधन वगैरह किया है उसको चूर्ण फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं उस त्रिफला क्वाथ में, जिस थाली में हमने त्रिफला क्वाथ रखा उसके अंदर डालते हैं, और उस थाली को हम क्या करते हैं एक्सपोजर में रखते हैं, किसके, सनलाइट के एक्सपोजर में, ओके। तो होता क्या कि जो दोष वगैरह होते हैं ना, ओके, वो लोहा के दो दोष वगैरह होते हैं, वो सभी या तो उड़ वगैरह जाते हैं, ओके, वो स्केप वगैरह हो जाते हैं, ऐसा वहाँ पे बताया गया है रचनाशास्त्र में, ओके। तो भावना हमने सनलाइट में किया, और बाद में भानुपाके, देखिए भानुपाके बाद स्थाली पाके, जहाँ पे हम थाली में रखकर त्रिफला क्वाथ में, सॉरी थाली में हमने त्रिफला क्वाथ जहाँ पे रखते हैं, ओके, ये जो थाली पाक रहेगी ना, सॉरी ये जो त्रिफला क्वाथ रहेगा, सॉरी ये जो थाली में स्थाली पाक में जो सेकेंड हमारा वे आता है, ये थाली में जो हम त्रिफला जो सॉरी त्रिफला का जो काढ़ा है, जो त्रिफला क्वाथ जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो हम सेपरेट यूज़ करेंगे, लेकिन जो हमारा चूर्ण होगा ना, लोहा चूर्ण, वो हम सेपरेट यूज़ नहीं करते हैं। भानुपाक के द्वारा जो ऑप्टेन जो चूर्ण होता है ना लोहा का, उसी को हम यहाँ पे स्थाली पाक में चूर्ण करते हैं, ओके। तो ये हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी धातु प्रकरण मैंने इसको सेपरेटली बताया है, ओके। तो भानुपाक मतलब मैंने आपको बताया कि थाली में त्रिफला क्वाथ रखकर शुद्ध लोह का चूर्ण हम डालते हैं, और उस पर्टिकुलर थाली को हम क्या करते हैं एक्सपोजर के, सॉरी सनलाइट के एक्सपोजर में उसको रखते हैं, ओके। तो इससे होता है कि बाद में भानुपाक के बाद स्थाली पाक करते हैं, स्थाली पाक के बाद हम क्या करते हैं पुट पाक पढ़ते हैं, और पुट पाक करने के बाद हम क्या करते हैं वहाँ पे लोहा का भस्म हो जाता है, ओके, यानी कि लोहा का भस्म बन जाता है। तो भस्म बनाने के लिए पहला जो स्टेप है, पहला जो सीढ़ी है, जो लैडर है, जहाँ पे चढ़ने की जरूरत होती है पूरे सीढ़ी को चढ़ने के लिए, वो हमारा क्या है, पहले भानुपाक है, ओके। देन दूसरा एग्जाम्पल है सूर्यपुटी प्रवाल पिष्टी, ओके। तो इसका जो मर्दन वगैरह करते हैं हम, प्रवाल पिष्टी का जो मर्दन वगैरह करते हैं वो हम सनलाइट में करते हैं, दैट्स वाई इसका सूर्यपुटी प्रवाल पिष्टी नाम दिया है, ओके। चंद्रपुट की अगर बात करें तो चंद्रपुट मतलब होता है कि जो भस्म बनाने की जो विधि है ना, अगर वो हम शाम के समय करते हैं, ओके, ड्यूरिंग द नाइट टाइम देन मून आर कमिंग, ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, ओके, वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो मून की जो रेज होती है उनके एक्सपोजर में, उनके वहाँ पे छत्र छाया में हम क्या करते हैं पर्टिकुलर भस्म बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं चंद्रपुट बोलते हैं, ओके। तो प्रिपरेशन ऑफ भस्म इन एक्सपोजर टू द मून रूस द्रव्यों की भावना सुखाने के लिए चंद्र की किरणों की जरूरत होती है, ओके। ये देखिए सुखाने के जो कर्म वगैरह बता रहे हो वहाँ पे अगेन वो चंद्रपुट बोल रहे हैं, ओके। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भस्म बनाने की जो लास्ट स्टेप है, जहाँ पे हम अग्नि वगैरह देते हैं, वो अग्नि अगर हम सनलाइट से देंगे तो उसे हम सूर्यपुट बोलेंगे, अगर वो मून रहेगा तो उसे हम चंद्रपुट बोलेंगे, अगर वो हमारा फायर है, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे अग्निपुट बोलेंगे, ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली कहीं कहीं बताया गया कि जो सूखने की जो विधि है, जो भावना की जो विधि है, अगर वो हम एक्सपोजर में करते हैं मून रेस और सनलाइट के एक्सपोजर में, तो उसे हम पर्टिकुलर टाइप्स का
उसे हम शो कर सकते हैं। ओके, तो बिफोर अग्निपुट, अग्निपुट जो थर्ड टाइप है उसको बताने से पहले आपको पुट संख्या पता होना चाहिए। तो आप जितनी बार पुट दोगे, ओके, जितने भी आप प्रिपेयर किया हुआ भस्म अगर आप टेन करते हो, तो जो भी आपने चक्रिका वगैरह में यहाँ पे आपने रखा था, ओके, चक्रिका वगैरह आपने ऑप्टेन रखने के बाद जो आपको ऑप्टेन हो रहा है भस्म पुट देने के बाद, ओके, आपने उसको पाउडर वगैरह किया, आप पाउडर करने के बाद क्या करते हो, आपको अगेन जो आप लिक्विड डाले थे चक्रिका बनाने के लिए, आपको अगेन लिक्विड द्रव्य डालना है, अगेन आपको चक्रिका बनानी है, अगेन आपको क्या करना है, उसको पुट देना है, अगेन जो हमारा ऑप्टेन होगा उस पर्टिकुलर चक्रिका को पाउडर करने के बाद अगेन उसको हमें मर्दन वगैरह करना है, अगेन हमें क्या करना है, उसको पुट देना है। तो ऐसे नंबर ऑफ पुट इज रिक्वायर्ड टू इनहांसेस और टू इनहांसिंग देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो अगर कोई भी अगर भस्म अगर 10 से 100 पुट से अगर बना होगा तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होगी वो व्याधि हर की प्रॉपर्टीज होगी। अगर कोई भस्म 100 से 500 के पुट के द्वारा बना होगा तो हमारा वाजीकरण होता है। ओके, वाजीकरण गुणधर्म उसमें आ जाता है। अगर कोई भस्म 1000 पुट तक बना है तो उसमें रसायन प्रॉपर्टीज आ जाता है। ओके, तो जैसे ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट नथिंग बट अग्निपुट। ओके, तो अग्निपुट मतलब ये होता है कि जहाँ पे भस्म जो हमारा मेन बनाया जाता है ना वो अग्नि के थ्रू बनाया जाता है। ओके, तो अग्निपुट के फर्दर तीन टाइप हैं, मृदु अग्निपुट, मध्यम अग्निपुट और तीव्र अग्निपुट। ओके, तो हम एक एक डिस्कस करेंगे। पहला हम तीव्र अग्निपुट डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मध्यम अग्निपुट एंड लास्टली वहाँ पे हम मृदु अग्निपुट बताएंगे। ओके, तो मृदु अग्निपुट जो हमारा मृदु अग्निपुट है ना उनमें दो एग्जांपल आते हैं पुट के प्रकार के, दैट नथिंग बट हमारा लावक पुट है और कपोत पुट है। मध्यम अग्निपुट में वराहपुट और कुक्कुट पुट है और तीव्र अग्नि में हमारा महापुट और गजपुट आता है। ओके, महापुट एंड गजपुट आता है। ओके, तो ऐसे टोटल 6 टाइप बताए गए हैं जो कि डायरेक्ट हीट के द्वारा हम भस्म बना सकते हैं। ओके, तो वे ऑफ हीटिंग के द्वारा वहाँ पे 2 टाइप बताया गया है, डायरेक्ट हीट और इनडायरेक्ट हीट। ओके, तो अग्निपुट के दो प्रकार आप समझिए, डायरेक्ट हीट, इनडायरेक्ट हीट, और डायरेक्ट हीट जो हमारा टाइप है वो हमारा वहाँ पे 6 प्रकार इंक्लूड होगा। ओके, 6 टाइप ऑफ पुट हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, कौन कौन से, लावक पुट, वराहपुट, कुक्कुट पुट, ओके, देन वहाँ पे जो हमारा महापुट और जो गजपुट है, ओके, ये दैट ऑल इंक्लूडेड इन द 6 टाइप। इनडायरेक्ट हीट में जो बताया गया है वहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हीटिंग वगैरह नहीं देते। ओके, अगर हीटिंग का अगर हम सोर्स वगैरह कलेक्ट भी करते हैं तो वहाँ पे वो अलग हो जाता है। ओके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, नॉन जो इनडायरेक्ट जो हीट है ना वो बालुका पुट है और गोबर पुट है, लवण पुट है। ओके, क्या है इसको हम लास्टली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखिए, तो डायरेक्ट के 6 प्रकार बताए गए, महापुट, गजपुट, वराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट और लावकपुट। ओके, अग्निपुट जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिफरेंट साइज ऑफ प्लेस एंड टेम्परेचर रिक्वायर वाइल गिविंग डायरेक्ट हीट इन पुटा। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहे कि अग्नि जो पुट है ना, डिफरेंट साइज ऑफ प्लेस एंड टेम्परेचर रिक्वायर वाइल गिविंग डायरेक्ट हीट इन पुटा। ओके, तो प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे हम पुट दे रहे हैं। ओके, और प्रॉपर वहाँ पे प्लेस होना चाहिए जहाँ पे हम पर्टिकुलर हमें पुट बनाना है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपका जो भस्म बनेगा ना वो बेटर क्वालिटी वाला बनेगा। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है अग्निपुट में, ओके, तो अग्निपुट मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार में होता है, तीव्र अग्निपुट, मध्यम अग्निपुट और आपका मृदु अग्निपुट। ओके, तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, मृदु अग्निपुट, मध्यम अग्निपुट और तीव्र अग्निपुट। तीव्र अग्निपुट के जो वहाँ पे मैंने टाइप बताया है महापुट और गजपुट आता है, जिनमें से हम पहला टाइप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो महापुट जो होता है हमारा, ओके, तो महापुट जो अल्टीमेट डिज़ाइन हुआ है हमारा, वो कैसे डिज़ाइन हुआ, ये देखिए मैंने सिंपल से वे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये देखिए मैंने स्क्रीन पे इसको एडजस्ट कर दिया है। तो महापुट हम पहले मैंने आपको इनिशियली बताया कि पुट जो हमारा बनता है, हम पहले गड्ढा वगैरह खोदते हैं। ओके, एंड देन वहाँ पे पुट वगैरह रख कर क्या करते हैं, सराउंड से पुट वगैरह रखते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसको पुट वगैरह देते हैं। ओके, दैट वी विल नो, ओके, सॉरी, दैट वी ऑलरेडी नो। ओके, तो महापुट में क्या करते हैं, दो हाथ जितना हमारा होता है ना, दुई हस्त प्रमाणम, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है पता है आपको, 91 सेंटीमीटर। ओके, तो 91 सेंटीमीटर आप 91 सेंटीमीटर की आपको गड्ढा वगैरह खोदना है, जो कि हमारे दो हाथ इतना होगा। ओके, तो दो हाथ इतना हमें लंबा चौड़ा और हमारा गहरा, ओके, इतना हमारा क्या होना चाहिए, हमारा गड्ढा होना चाहिए। ओके, तो जो हमारे लेंथ एंड ब्रेंथ जो लेंथ ब्रेंथ एंड जो हाइट होगी, ओके, उस पर्टिकुलर गड्ढे की वो 91 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, दुई हस्त प्रमाणम जिसे हम बोलते हैं।
तो दो दो हाथ लंबा चौड़ा और गहरा इतना गड्ढा खोदकर आपको क्या करना है, 1000 उपले की जरूरत होती है महापुट में। ओके, तो पहले आपको 2/3 जो आपको जो उपले है, सॉरी जो आपके जो उपले है ना, आपको 2/3 आपको उपले, जिसे हम क्या बोलेंगे अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रॉन्गली यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया, आपको महापुट में 1500 जो उपले होते हैं उतनी जरूरत होती है। ओके, 1500 की आपको वहाँ पे काउलन की एक सी जरूरत होती है, लेकिन लेकिन ओके वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने गड्ढा वगैरह खोदा है ना, ओके जो वहाँ पे अर्थ सरफेस के बिलो जो हमने गड्ढा वगैरह खोदा है, हम पहले इनिशियली 2/3 फुट यहाँ पे ऑलरेडी रख देते हैं, यानी कि 2/3 दैट नथिंग बट 1000 फुट, सॉरी 1000 जो उपले हैं, 1000 जो काउडन केक्स है, ओके हम पहले उसको रखते हैं अपने जमीन के गड्ढे के अंदर, एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं सराव समुट रखते हैं, और बाद में बचे हुए जो हमारे 500 होते हैं ना उनको हम रखते हैं। ओके, और बाद में क्या करते हैं उसको, बाद में क्या करते हैं उसको इग्नाइट वगैरह देते हैं। ओके, बाद में उसको करते हैं इग्नाइट वगैरह करते हैं। तो डैट यहीं पे सेम लिखा गया है, वहीं पे इतना ही, इतना कॉम्प्लिकेट इतना हार्ड वगैरह नहीं है। गड्ढा खोदा, 1000 फुट इनिशियली लगा 2/3 में, और 1/3 हम क्या करते हैं किससे ऑक्यूपाई करते हैं, हम 500 फुट से, सॉरी 500 उपले से ऑक्यूपाई करते हैं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मिडल में हम क्या करते हैं ऑलरेडी एक हम सरासमुड प्लेस करते हैं। ओके, तो सरासमुड में क्या है, जिसका हमें भस्म बनाना है उसके द्वारा बनाई गई जो चक्री का है हम उसको उसमें डालते हैं। ओके, तो देन वही यहाँ पे बताया गया है, इसके इसे हम क्या बोलते हैं अग्नि प्रज्वलित करना है, 1000 फुट नीचे 500 फुट ऊपर, दोनों के मध्य में एक सराव संपुट, और बाद में अग्नि अप्लाई करना है, एक टोटली को हम क्या बोलते हैं महापुट बोलते हैं। ओके, तो 1500 उपले की जरूरत होती है, 2/3 हमें पहले 1000 से, और बाद में 1/3 हमें 500 से भरना पड़ता है। ओके, अपर 1/3 हमें 500 से भरना पड़ता है, और लोअर 2/3 जो है हमारा 1000 फुट, सॉरी 1000 उपले से भरना पड़ता है। इन बिटवीन बोथ हमें सराव संपुट रखना है, और टेम्परेचर जो यहाँ पे मेंटेन होगी ना वो अराउंड 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा होगा टेम्परेचर इज मेंटेन्ड हियर। ओके, इतने टेम्परेचर हमें ऑप्टेन होती है या फिर मेंटेन होता है। तो अभ्रक भस्म और वैक्रांत भस्म जो होता है वो महापुट के द्वारा बनाया जाता है। ओके, हमारा जो सेकेंड टाइप है अग्निपुट, सॉरी तीक्ष्ण अग्निपुट, यानी कि ये देखिए यहाँ पे जो बताया था मैंने, तीव्र अग्निपुट की जो यहाँ पे सेकेंड प्रकार है, दैट नथिंग बट हमारा गजपुट। ओके, जहाँ पे हमें बहुत ही अग्नि की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं तीव्र अग्नि बोलते हैं। ओके, तो तीव्र अग्नि में जो सेकंड एग्जांपल दैट नथिंग बट गजपुट, गजपुट में राजा का जो एक हाथ है ना उतना लंबा आपको गड्ढा लंबा चौड़ा और गहरा खोदना है। ओके, राजहस्त प्रमाणम, तो राजा की जो हाथ थी कितना हम समझेंगे, हम अप्रॉक्सीमेटली 57 सेंटीमीटर उतना समझेंगे। ओके, तो सवा हाथ जिसे हम बोलते हैं प्रमाण का आपको लंबा चौड़ा गड्ढा खोदना है, और यहाँ पे आपको कितना उपले की जरूरत होगी, यहाँ पे आपको 1000 उपले की जरूरत होगी। ओके, 750 आपको पहले 2/3 में प्लेस करना है। ओके, ये सब गड्ढे के नीचे हम कर रहे हैं। ओके, जमीन के अर्थ के सरफेस के नीचे कर रहे हैं। 2/3 देन नथिंग बट द अप्रॉक्सीमेटली 750 उपले आपको पहले डालना है, देन आफ्टर द सराव संपुट, और बाद में बचे हुए जो 250 है आपको ऊपर डालना है। ओके, एंड बाद में उसको इग्नाइट वगैरह करना है। ओके, ये टोटली को हम क्या बोलते हैं गजपुट बोलते हैं। ओके, तो 1000 फुट की जरूरत होती है, ये देखिए गड्ढा वगैरह खोद कर 1000 उपले को प्लेस करना, देन अग्नि देना, इसे हम क्या बोलेंगे गजगुट बोलेंगे। ओके, राजहस्त प्रमाण है, इसकी क्या होनी चाहिए डायमेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन होता है ना वो 800 to 900 जो डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है। ओके, तो 2/3 स्पेस ऑक्यूपाई विथ आवर 750। ओके, देन आफ्टर दैट सराव संपुट, देन बाद में 1/3 जो हमारा 250 उपले जो हम उसको वहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके, अभ्रक वैक्रांत माक्षी बस, इसे हम द्वारा इसके द्वारा हम क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। ओके, हमारा जो थर्ड, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन वगैरह बताया है, लेंथ ब्रिंद जो हाइट रहेगी दैट विल बी अवर 57 सेंटीमीटर। ओके, हमारा जो थर्ड टाइप है दैट नथिंग बट द वराहपुट। ओके, वराह मतलब होता है सुअर। ओके, तो आपको ऐसा गड्ढा खोदना है जिसमें एक पर्टिकुलर जो सुअर होगा, ओके, जो पर्टिकुलर जो जानवर है वो वहाँ पे अंदर चला जाना चाहिए, और उसकी जो उसकी जो डायमेंशन है ना वो हमारे आचार्य ने बताया 2 अरतनी मानेन। ओके, अरतनी मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 42 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 अरतनी मानेन। ओके, तो कोई कस्टमर वगैरह वहाँ पे जो रहते हैं तो वहाँ पे उनको पता नहीं होता कि स्टूडेंट कस्टमर वगैरह को पता नहीं होता कि अरतनी मतलब क्या होता है। अरतनी एक पैरामीटर है। ओके, हम जहाँ पे अपना फोरम कंसिडर करते हैं। ओके, तो एक अरतनी मतलब होता है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आपको समझना है, 2 अरतनी माने तो 42 सेंटीमीटर आपको लेंथ ब्रेंथ एंड हाइट वाला आपको क्या करना है गड्ढा खोदना है, और वहाँ पे आपको कितने उपले की जरूरत होती है, वहाँ पे आपको 150 उपले की जरूरत होती है। ओके, 2/3 आपको क्या करना है 100 उपले डालना है, और बाद में बचे हुए आपको 50 आपको उपले डालना है। ओके, तो 2/3 एट द बेस ऑफ द खोदा हुआ गड्ढा। ओके, वहाँ पे आपको
टू थर्ड उपले आपको डालना है ओके, यानी कि कितने उपले में से आपको 150 में से आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉरी हाँ 100 उपले नीचे रखना है और बाद बचे सॉरी बाद में बचे हुए जो 50 उपले हैं आपको सराह छमुट के ऊपर वगैरह प्लेस करना ओके, और बाद में उसको इग्नाइट वगैरह देना है, इसे हम क्या बोलते हैं वरापुट बोलते हैं। तो वरापुट में जो टेम्परेचर मेंटेन होगा अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है, और जो वरापुट में जो भस्म बनाया जाता है ना वो मेनली सुधा वर्गीय के भस्म होते हैं, यानी कि सुधा वर्गीय के जो द्रव्य होते हैं चुकती भस्म हो गया, कपर्दिक भस्म हो गया ओके, जितने भी सुधा वर्गीय जो द्रव्य है इनका भस्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं वरापुट का यूज़ करते हैं ओके। तो माक्षिक भस्म, चुकती भस्म, शंख भस्म, वराटिका भस्म जिन्हें हम कपर्दिका भी बोलते हैं ओके, मृग शृंग भर्म ओके, मृग शृंग भर्म, शृंग मतलब होता है हॉर्न्स ओके यानी कि सिंह, और मृग मतलब होता है हिरण ओके। तो मोस्टली सुधा वर्गीय जो भस्म होते हैं ना वो मेनली हम क्या करते हैं वरापुट द्वारा प्रिपेयर करते हैं। हमारे जो फोर्थ टाइप है दैट नथिंग बट कुक्कुटपुट, तो यहाँ पे जो मैंने थर्ड आपको जो बताया था ये हमारे मृदु अग्निपुट सॉरी मध्यम अग्निपुट के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा तीक्ष्ण अग्नि यानी कि जहाँ पे ज़्यादा फायर वगैरह की जरूरत वगैरह नहीं होती ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्परेचर जो मेंटेन है ना वो कम हो गया ओके। तो कुक्कुटपुट यहाँ पे बताया गया कि अगेन ये मध्यम अग्निपुट का सेकेंड प्रकार है जिसे हम क्या बोलते हैं कुक्कुटपुट बोलते हैं। तत द्वि वितस्ती ओके, वित्ता हम बोलते हैं ना वित्ता, तो तत द्वि वितस्ती यानी कि दो वित्ता आपको इतना यहाँ पे कुक्कुटपुट के लिए एरिया कवर करेगा ओके। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कुक्कुटपुट जो होता है ना हम अर्थ सर्फेस के ऊपर करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थ सर्फेस के जो नीचे गड्ढे खोदने की जो कंटिन्यू जो विधि होती है ना वो हम करते हैं। तो दोनों का जो तरीका है दोनों का विधि सही है ओके, नो डाउट उसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होना चाहिए आपको। तो दो वे बताया गया है आपको, मैंने बताया कि आपको दो वित्ता आपको लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदना है और बाद में आपको आधे भाग में उपले डालकर सराह छमुट डालना है और बाद में उसको क्या करना है रखना है ओके। देन रिमेन बचा हुआ जो आधे उपले हैं आपको वन्योपल जो है ओके आपको उस पर्टिकुलर सराह छमुट के ऊपर रखकर आपको क्या करना है जला देना है ओके। तो अल्टीमेटली 42 जो सॉरी जो हमारा 42 जो सेंटीमीटर ना 42 सेंटीमीटर यानी कि वराहपुट का ये देखिए आपको डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा ओके। ये हमारा मेरा क्या है आपके द्वारा बना आपके द्वारा एक्सप्लेन किया क्या क्या है हमारे पर्टिकुलर क्या है ये पुट की विधि है ओके। जैसे मैंने आपको बताया था तो दो वित्ता आपको गड्ढा वगैरह खोदना है, दो वित्ता आपको अप्रोक्सीमेटली 42 सेंटीमीटर होता है ओके। और इनिशियली आपको क्या करना रहता है यहाँ पे 50 उपले की जरूरत होती है, मैंने आपको शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो 50 से 60 उपले की जरूरत होती है ओके। और वहाँ पे 50 नीचे रखकर और 50 ऊपर रखकर अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं वहाँ पे प्लेस करते हैं ओके। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट वगैरह आएगा कि यहाँ पे कुक्कुटपुट में 42 सेंटीमीटर बताया गया है और वराहपुट में भी अप्रॉक्सीमेटली 42 सेंटीमीटर बताया गया है ओके। तो यस दे आर सेम सेंटीमीटर सेम बताया गया, लेकिन जो उपले की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ा सा अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना है ओके, अदरवाइज कन्फ्यूज यू विल कन्फ्यूज विद दिस टू सेम थिंग ओके। तो 50 से 60 आपको काउडंग केक्स रखना है कुक्कुटपुट के लिए, और जो उसकी जो बित्ती की जो सॉरी दो बित्ता जो होगा हमारा 42 सेंटीमीटर होगा, तो 42 सेंटीमीटर यानी कि दो बित्ता का आपको गड्ढा लंबा चौड़ा गड्ढा आपको खोदना है ओके। और बाद में इसके उपले वगैरह डालकर आधा आधा उपले डालना है और बाद में सराह छमुट रखना है। तो बाद में क्या करना है रिमेन बचा हुआ जो भागों का आधा फिर से अगेन आपको उपले के द्वारा भरना है। और यहाँ पे आपको कितने उपले की जरूरत होती है 50 to 60 काउडंग केक्स की जरूरत होती है। और ये देखिए जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, दूसरी विधि ऐसी होती है कि आपको ज़मीन के ऊपर ओके ज़मीन के ऊपर एक सर्कल एरिया बनाना है। तो मोस्टली यही कॉमन समझना चाहिए क्योंकि कुक्कुट मतलब होता है मुर्गी ओके, मुर्गी या फिर मुर्गा वगैरह भी है जो भी कुछ है। तो आपको ऐसा डिग खोदना है आपको ऐसा गड्ढा खोदना है जिसमें वो मुर्गी आपको वो चले जाए ओके। तो उतना जो सेंटीमीटर वो 42 सेंटीमीटर बताया गया है ओके, इतने सेंटीमीटर में कोई भी एक जो हमारा मीडियम साइज़ की जो मुर्गी होगी वो वहाँ पे बैठ जाएगा ओके। इसलिए हम इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कुक्कुटपुट बोलते हैं ओके। तो ये देखिए ऑन ग्राउंड सर्फेस हम क्या करते हैं इनिशियली सर्कुलर एरिया बनाते हैं जहाँ पे हम पहले क्या करते हैं कुछ उपले वगैरह रखते हैं और बाद में क्या करते हैं उसको सराह छमुट रखते हैं और बाद में चारों बाजू से हम क्या करते हैं अर्थ सर्फेस के ऊपर क्या करते हैं वहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लाइन से हम क्या करते हैं उसको उपले वगैरह भर देते हैं और बाद में उसको इग्नाइट वगैरह कर देते हैं ओके। तो इसकी जो टेम्परेचर मेंटेन होती है
200 to 250 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर वगैरह मेंटेन होती है। ओके, मोस्टली जो होते हैं सॉफ्ट जो ड्रग होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कुकुट पुट का यूज़ करते हैं। ओके, स्वर्ण रजत भस्म जो होते हैं ये सब मेरे सॉफ्ट भस्म में हम उनके लिए क्या करते हैं इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो इनका जो डायमीटर है ना यहाँ पे 42 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, तभी उतना सर्कल वो कंज्यूम होना चाहिए, उतना कवर होना चाहिए। हमारे जो मृदु अग्नि का जो पुट का जो एग्जाम्पल है कपोत पुट जिसे हम बोलते हैं, तो ग्राउंड सर्फेस के ऊपर नॉर्मली ये करना चाहिए। कपोत पुट, कपोत मतलब होता है कबूतर। ओके, इतना एरिया आपको कवर करना जिसमें कबूतर बैठ जाएगा। हमें यहाँ पे 8 काउडंग केक्स की ज़रूरत होती है। ओके, इनिशियली 2 केक्स हमें पहले ऑलरेडी पहले डालना रहता है, बाद में हमें क्या करना है सराश अम्बुट रखना है। ओके, ऑन ग्राउंड सरफेस, और बाद में क्या करना है आपको एक पिरामिड शेप जैसा। ओके, यानी कि आपने दो उपले वगैरह रख दिए और बाद में आपने क्या किया, सॉरी बाद में आपने क्या किया इसमें ऊपर से सराश अम्बुट वगैरह रख दिया। ओके, बाद में आप क्या करते हो दोबारा आप यहाँ पे काउडंग केक्स वगैरह रखते हो। ये हमारा 3 हो गया, 4 हो गया, ये मेरा 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ओके, आप ऊपर से वगैरह रख देते हो तो अल्टीमेटली ये वेज शेप का हो जाता है। ओके, वेज शेप मैनर पिरामिड शेप का वगैरह होता है। ओके, तो ऐसा आपको क्या करना है एरिया थोड़ा सा ऐसा वहाँ पे मेंटेन करना है। 8 काउडंग केक्स की जरूरत होती है, इनिशियली 2 केक्स आपको डालना है, बाद में 8 पूरा कंटिन्यू आपका एंड होगा। ओके, वेरी लो इंटेंसिटी यहाँ पे हीट होती है, और स्वर्ण और पारद भस्म के लिए हमें क्या करना जरूरत होती है कपूत पुट की जरूरत होती है। ओके, हमारा जो लास्ट जो पुट है डायरेक्ट हीट का दैट नथिंग बट लावक पुट, मृदु अग्नि पुट का लास्ट जो प्रकार है ग्राउंड सरफेस के ऊपर आगे नहीं किया जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं 48 ग्राम क्या करते हैं पहले सूखा हुआ जो उपले है ना उनके पाउडर्स वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, 48 ग्राम्स यानी एक पल्प, और बाद में उस पर्टिकुलर सराश अम्बुट ऊपर से रखते हैं। ओके, और बाद में हमें क्या होता है पारद भस्म ऑप्टेन हो जाता है। ओके, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया सराश अम्बुट हमने किसके ऊपर रखा 48 ग्राम्स का जो पाउडर होगा जो ड्राइड काउडंग पाउडर है उसके ऊपर हमने प्लेस किया, और डायरेक्टली हम क्या करते हैं काउडंग केक्स को जलाते हैं और वहाँ पे हमारा जो भस्म होगा वो रेडी हो जाता है। ओके, सो हियर नॉट नीडेड एक्स्ट्रा पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, तो लावक पुट मतलब क्या है एक पल आपको चूर्ण लेना है और चूर्ण के ऊपर आपको सराश अम्बुट रखना है और बाद में उसको जला देना। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो पारद भस्म का ऐसा एग्जाम्पल दिया। ओके, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट हीट की बताई गई है, इनडायरेक्ट हीट मतलब जहाँ पे उपले की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो है इनडायरेक्ट हीट का इसे हम क्या बोलते हैं गोमय पुट और गोबर पुट बोलते हैं। तो इतना आई एम नॉट अवेयर दिस पर्टिकुलर टाइप। ओके, बिकॉज यहाँ पे इनडायरेक्ट हीट बताया जाता है हमारे टेक्स्ट बुक में, लेकिन वहाँ पे गाय के जो उपले होते हैं ना उनके द्वारा जो चूर्ण होता है ना उनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इतना मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे हम इनडायरेक्ट हीट में गोमय पुट को क्यों रखा गया, बस आपको समझना है कि गोमय पुट है क्या और इसको हमने इनडायरेक्ट हीट में रखा है, आपको इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ड्राइड काउडंग के जो पाउडर हैं, ओके, यानी गोबर का जो शुष्क चूर्ण होता है ना जिसे हम क्या बोलते हैं गोमय बोलते हैं, वो हमें पहले लाना पड़ता है। और सम ऑफ दिस पर्टिकुलर जो गोमय है ना, ओके, यानी कि जो चूर्ण है गोबर के उसको हमें पहले अर्थ सर्फेस के यानी कि ग्राउंड सर्फेस के जो हमारा अंडरग्राउंड रहेगा, ओके, उस एरिया में हमको रखना है और बाद में सराश अम्बुट रखना है और बाद में हम क्या करना है लास्टली बचे हुए भाट को उसको फिलअप करना है। ओके, तो पारद भस्म बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है गोमय पुट यानी कि गोबर पुट की जरूरत होती है। ओके, हमारा जो बालुका पुट और जो हमारा लवड़ पुट है ना बहुत ही सिंपल होता है अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय। वो क्या बोलते हैं आपको एक पात्र लेना है, यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर वेसल। ओके, वेसल के आपको इनिशियली पहले यहाँ पे बालू वगैरह रख देना है और बाद में बालू वगैरह रखने के बाद एक सराश अम्बुट लेना है। ओके, सराश अम्बुट बालू के रखने सॉरी बालू रखने के बाद आपको सराश अम्बुट रखना है और बाद में आपको अगेन विद बालू आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ओके, तो मैंने दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको बताया है। ये हमारा फर्स्ट था जहाँ पे मैंने पहले इसको ऑलरेडी फिलअप किया और बाद में हमने दो अलग से दोबारा फिलअप किया, इसको मैंने अलग यहाँ पे तरीके से दिखाया। ओके, ये पहले पात्र है, नहीं हमने कोई गड्ढा या फिर जमीन के ऊपर नहीं कर रहे, हम पात्र के अंदर कर रहे हैं। तो पुट के प्रकार में पात्र वगैरह मैनर नहीं रखता है, किसके द्वारा हम दे रहे हैं पुट ये मैनर करता है। अगर पुट अगर वहाँ पे उपले के द्वारा नहीं दी गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट हीट बोलेंगे। ओके, नो डाउट वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट हीट। ओके, तो यहाँ पे बालू का जो हमने बालू वगैरह रखा है वेसल के अंदर, ओके, बाद में हम इसको जलाते हैं ऊपर की तरफ जला देते हैं पर्टिकुलर बालू को और बाद में जो भस्म हमें ऑप्टेन होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं बालू का पुट के द्वारा बनाया गया भस्म उसे हम बोलते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय अर्धन पॉट आपको लेना है। ओके, और बाद में हाफ फिल्ड विथ योर सैंड एंड देन सराश अम्बुट आपको प्लेस करना है
अब बाद में फिर बचे हुए जो एरिया है सराज सोमवुड रख देने के बाद आपको उससे फिर अगेन वहाँ पे सेंडर से फिलअप करना और बाद में इग्नाइट करना है। ओके, हड़ताल सोमल भस्म जैसे रस द्रव्यों के भस्मों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं वालुकापुट का यूज़ करते हैं। ओके, गंधक जलाने के लिए भी हम क्या करते हैं वालुकापुट का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हम बालू के बजाय अगर लवण रख देंगे इसी को हम क्या बोलेंगे लवणपुट बोलेंगे। ओके, तो पूरा जो विधि है ओके बालुकापुट का सेम लवणपुट में भी बताया है, जैसे वहाँ पर हम क्या करते हैं इंस्टीड ऑफ सैंड वी आर प्लेसिंग द लवण। ओके, भूधरपुट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं पता है आपको बिलो द अर्थ हम क्या करते हैं सराश को पहले रखते हैं भूधरपुट जिसे हम बोलते हैं। ओके, सराश चमपुट हम पहले डायरेक्टली किसी जमीन के बनाए गड्ढे में हम डायरेक्टली उसको रखते हैं, बाद में सराश चमपुट के ऊपर जो हमारा काउडंग के होता है इसको हम रखते हैं। ओके, तो भूधर यंत्र क्या है सराश चमपुट किप्ट अंडरग्राउंड कैविटी ओके बिलो द 1.5 इंच बीनीथ द सरफेस। ओके, और बाद में हम क्या करते हैं उसको वन्यपन हम बर्न करते हैं। ओके, टॉप से बर्न करते हैं और जो अल्टीमेटली ये जो भूधरपुट है ना ये क्यों जरूरत है क्योंकि पारदर संख्या भस्म के लिए क्या है सॉरी इसकी नीड होती है। ओके, तो इट शुड बी द डिसाइडेड बाय कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द रसद्रव्य। ओके, तो बिलो द अर्थ सरफेस हम यहाँ पे पहले क्या किया एक सराश अमुट रखा एक मूसा वगैरह प्लेस किया और बाद में हम क्या करते हैं बचे हुए भाग को विद द हेल्प ऑफ वहाँ पे हम क्या करते हैं जो हमारा वन्य पल होगा ना इसको हम क्या करते हैं इसको इसके द्वारा हम क्या करते हैं वहाँ पे इसको इग्नाइट वगैरह करते हैं। तो भूधरपुट इतना ये हमारे जो अग्नि वाला वेद देखा था ना हमने वही उसमें आता है। ओके, और हमारा ड्राउजीनेस जहाँ पे नहीं हमें हमारा बॉडी वगैरह माइंड वगैरह जब रिलैक्स स्टेट में होता है ना तब हम क्या करते हैं अपना हमारा अल्फा वेव वगैरह ईईजी में वहाँ पे एक्सप्रेस होता है। ओके, वो हमें पता चलता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो पर्टिकुलर भूधरपुट से जो भस्म वगैरह बनाया जाता है ना ये फिर वहाँ पे बहुत ही तीक्ष्णवान उष्णवान होगा क्योंकि हम वहाँ पे कोई भी लिक्विड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। ओके, तो इट शुड बी डिसाइडेड बाय द कंसिडरिंग कि कौन सा मेटल का कौन से मिनरल्स का हमें भस्म वगैरह बनाना है। ओके, फॉर मृदु द्रव्य लो हीटिंग कैपेसिटी पुट रिक्वायर फॉर मध्यम मॉडरेट हीटिंग और हाई हीटिंग कैपेसिटी के लिए हमें वहाँ पे हाई पुट की जरूरत होती है। ओके, यानी कि जो मृदु अग्निपुट के द्वारा जो बनाया गया भस्म होगा अगर वो भस्म अगर बनाना है तो वहाँ पे हमें कम अग्नि जरूरत है। अगर जो तीक्ष्ण अग्नि द्वारा बनाया गया जो भस्म होगा सच एस अभरक भस्म वैक्रांत भस्म स्वर्णमाक्षी भस्म तो वहाँ पे मुझे वहाँ पे अलग से वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो पुट का जो लास्टली जो है ना आपको समझना है कि पुट का यूज़ हमें भस्म बनाने के लिए किया जाता है और भस्म किस रस द्रव्य को बनाना है उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा टाइप हमें पुट देना है। ओके, तो ये देखिए जैसे आपको बताया कि पुट रिप्लेस विद द ईएमएफ ओके इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस जो कि प्रिपरेशन वहाँ पे गड्ढे बनाने की जरूरत नहीं होती है वन्य पल की जरूरत नहीं होती है इन ईएमएफ आर्टिफिशियली ऑन आवर ओन। ओके, वहाँ पे हम कर सकते हैं वी कैन एडजस्ट द टेम्परेचर ऑल्सो ओके इन एनी वेदर कंडीशन और प्रीमाइसिस वी कैन मेक द भस्म। ओके, तो प्रैक्टिकल लैब या फिर वहाँ पे जो लेबोरेटरी होती है ओके वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अपने पुट का कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर ऑफ ईएमएफ बताएगी कि ईएमएफ यानी मफल फर्नेस में क्या क्या वगैरह होते हैं तो हीटिंग चैम्बर होता है टेम्परेचर कंट्रोलर होता है और हीटिंग के वायर्स होते हैं। ओके, सर्कुलर मैनर में हीटिंग के वायर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं हीट करते हैं। ओके, तो मध्यम और न्यून पाक क्यों नहीं करना चाहिए हमें क्योंकि इम्प्रॉपर इंसिनरेटेड जो भस्म होते हैं ना वो दैट कॉसेस द वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन साइड द बॉडी। जैसे कि एग्जांपल दिया यहाँ पे कि स्वर्णमाक्षिक भस्म के द्वारा मंदाग्नि बल हानि और नेत्र रोग हो सकते हैं। ओके, अगर वो प्रॉपर इंसिनरेटेड नहीं होगा तो ओके देर आर डिफरेंट रस द्रव्य हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट विच इफेक्ट इन इम्प्रॉपर इंसिनरेशन। ओके, वो हमें पता होना चाहिए नाग कॉसेस कुष्ठ प्रमेह ओके ये आपको पता होना चाहिए तभी आप क्या करोगे उसका डिटेक्शन आप प्रॉपर तरीके से करोगे। अदरवाइज कोई भी मेडिसिन वगैरह लेने के बाद तो डिटेक्शन वगैरह तो होती रहती है लेकिन उसका जो इफेक्ट है ओके साइड इफेक्ट वगैरह जो था उसका हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो पुट की जरूरत होती है क्योंकि धातु और मिलन का जो एक ही फॉर्म होता है एक ही तरीका होता है कि हम उसको अंदर लेने का वो होता है भस्म। ओके, और भस्म हैज़ वेरियस थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज दैट्स हम क्या करते हैं भस्म का यूज़ करते हैं। ओके, तो बिफोर एडवाइसिंग टू पुट फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ ड्रग मस्ट टू नो। ओके, एंड देन मोर और हीट और लेस हीट मेक्स द भस्म इम्प्रॉपर और फॉर दैट भस्म परीक्षा ये हमें क्या करना रहता है वहाँ पे पुट की जरूरत होती है। ओके,
और पुट हमारा अच्छा बना है कि नहीं बना है वहाँ पे हम क्या करते हैं भस्म परीक्षा के द्वारा हम उसे डिसाइडेड करते हैं। ओके तो इम्प्रॉपर भस्म दैट इज कॉल्ड एज इट शुड बी डिस्कार्डेड। सो दैट इज रिगार्डिंग फॉर अवर टूडेज क्लास। हियर वी डिस्कस डिटेल डिस्कशन ऑफ द पुट। ओके तो पुट के टाइप्स महापुट, गजपुट, बालिकापुट, लावकपुट, भूधरपुट। ओके जितने भी टाइप है वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो एनीथिंग और एनी डाउट, एनी सजेशन, इफ़ यू वांट टू गिव मी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके थैंक यू।